प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगी, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। साथ हैं जी नाज़िया इलाही खान, नाज़िया को सभी जानते हैं और सुनते भी रहते हैं। थैंक यू सो मच नाज़िया, क्या जा पाई है। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच आरजू जी बुलाने के लिए। बड़ी फैमिली जैसी फीलिंग आती है आपके साथ जब बैठती हूँ तो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको भी मैंने पहले कहा था एक बार शो में जय श्री राम, और मैंने अपने शो में भी एक दो बार कह दिया, तो मुझे इंडिया से इतने लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, इसको देखो जय श्री राम बोल रही है वहां से बैठ के। तो वो वैसे मुझे चिढ़ाने में भी मजा आता है, मुझे लगता है कि ये एक चीज हमारी मैच करती है कि हमें चिढ़ाने में मजा आता है दूसरों को, बहुत मजा तो आता है। और वो जो चिढ़ते ज्यादा है। और मुझे पाकिस्तान से किसी ने नहीं कहा, मुझे इंडिया से लोग कहने लगे कि क्यों बोली हो, तो मैंने कहा भस्मे बोली मेरी मर्जी। लेकिन आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी वैसे बड़े फेवरेट हैं पाकिस्तान में, आप जानती हैं कि सब उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। कई लोग तो पैनलिस्ट जाके कहते हैं बस नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले हैं, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है। अब उन्होंने शक्ति के ऊपर जो बात की है, आपको मालूम ही है, क्या कहेंगे आपके, अब ये क्या एक नया उन्होंने निकाला है। देखिए आरजू जी, एक बार आपको याद होगा कि डॉक्टर इरशाद के साथ हम और आप तीनों बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी राहुल गांधी का नारा बुलंद किया था, और मैंने कहा था कि अब पता चला कि भाई नवाज शरीफ की पार्टी भी राहुल गांधी से जुड़ी है। तो राहुल गांधी इटली के विदेशी चश्मे से भारत की सभ्यता और संस्कार को देखने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी मोदी जी के विनाश की लीला रचाने के चक्कर में वो अब भारत की नारी शक्ति के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। अब बात आती है कि 2007 में सोनिया गांधी जी ने, इटली की फिरंगी औरत ने, मोदी जी के विरोध में एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि मोदी मौत का सौदागर है। बड़ी मुश्किल से जैसे ही उन्होंने ये बात कही, भारत की जनता सब के सब मोदी जी के बगल में जाकर खड़ी हो गई, और बड़ी मुश्किल से सरकार बनानी पड़ी थी 2007 के बाद जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी बड़ी मुश्किल से कांग्रेस को सरकार बनानी पड़ी थी। फिर 2014 में मणि शंकर अय्यर ने कह दिया था असत्य का सौदागर, जो सत्य पर काम नहीं करता है मोदी जी के खिलाफ। तो 2014 का रिजल्ट तो सबको पता है कि मुंह की खानी पड़ी थी और पूरे मुंह के बल गिरना पड़ा था कांग्रेस को। 2019 में फिर से राहुल गांधी ने क्या कह दिया कि भाई चौकीदार चोर है, और भारत के तकरीबन 80% लोगों ने अपने अपने नाम के आगे लगा दिया हम भी चौकीदार। 2024 में लालू प्रसाद यादव ने, अभी जनवरी के महीने में लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, उसको परिवार का दर्द कहाँ से। जितने भारत की जनता है तकरीबन 97% लोगों ने अपने मोबाइल पे अपने नाम के आगे सोशल साइट पर लगा दिया मैं मोदी का परिवार। अब 2024 के 18 मार्च को फिर से राहुल बाबा ने, गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग ने कह दिया कि हिंदू में एक शब्द है शक्ति, और वो उसके खिलाफ खड़े हैं। देखिए मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, पर मैंने जितना भगवत गीता रामायण वेदों और ग्रंथों का एडुकेशन लिया है, और बजावते पुरोहित जी को, पंडित जी से मैंने, और संस्कृत के प्रोफेसर से मैं पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हवा में पढ़ रही हूँ, तो उस हिसाब से जितना मैं जानती हूँ भारत और सनातन धर्म में शक्ति का अर्थ देवी निकलता है, माता निकलता है, और वाकई में भारत में देवियों की पूजा सबसे ज्यादा होती है। दुर्गा की पूजा होती है, सरस्वती की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, जब धरती की पूजा होती है तो आप चंडी की पूजा होती है, काली की पूजा होती है। तो आप यूं समझ लें कि सनातन धर्म ने धरती और आकाश, ये सारे बागडोर जो है वो देवियों के ही हाथ में दे दिया है। तो देवी को ललकारना, ये राहुल बाबा ने गलत कर दिया। और कल मैंने एक बड़े नेशनल न्यूज पर ये कहा भी कि शक्ति के खिलाफ जब राहुल बाबा लड़ रहे हैं तो जरा रोड पर उतर जाएं और भारत की शक्ति से लड़कर दिखाएं, 100 नारी शक्ति उनको औकात याद दिला देगी और दोबारा इटली का टिकट कटवा देगी। अच्छा, शक्ति से तो मुझे लगा पावर है उसका मतलब, शक्ति का नहीं।
नहीं, यहाँ यहाँ हमारे वेदों और ग्रंथों के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से शक्ति का अर्थ निकलता है देवी माता। जैसे हम अपनी भारत को माता बोलते हैं, भारत की शक्ति हुई। ठीक ठीक। और भारत में महिलाएं जो होती हैं आरजू जी, उनको पता होता है कि कब उनको दुर्गा का स्वरूप बनना होता है, कब उनको लक्ष्मी का स्वरूप बनना होता है, कब उनको पार्वती का स्वरूप बनना होता है, कब उनको काली का स्वरूप बनना होता है, कब उनको चंडी का स्वरूप बनना होता है। ये हमें खुद पता होता है, ये हमें हमें कोई बताता नहीं है कि अच्छा अब तुम चंडी का रूप ले लो, नहीं, हमें खुद पता चल जाता है। और ये जो राहुल बाबा ने किया है ये बहुत गलत कर डाला उन्होंने। उन्होंने नारियों के विपक्ष में, नारियों के खिलाफ जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है, ये उन्होंने बहुत गलत किया। हालांकि मैंने उनको नेशनल न्यूज पर सजेशन भी दिया और आपके चैनल पर भी मैं सजेशन दे रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति गांधी परिवार का इतना बड़ा चश्मोचराग अगर भाषण देना नहीं आता है तो टेलीप्रॉम्प्टर यूज करो। हमें क्या है कि हम देख के बोल ही नहीं सकते, हम अपने दिमाग से बोलते हैं और अपने दिमाग में इतनी बातें रखते हैं। लेकिन राहुल बाबा अगर प्रो पॉलिटिशियन नहीं है और उनकी अम्मा उनको बार बार लॉन्च करने की कोशिश करती है और वो नहीं खड़े उतर रहे हैं और वो अपने शब्दों के जाल में खुद ही फंस जाते हैं, तो फिर उनको टेलीप्रॉम्प्टर यूज करना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब आती है बात कि ये वही भारत है जहां चंद्रयान 3 जब सक्सेसफुल मिशन हुआ तो उस स्पॉट का नाम शिव शक्ति दे दिया गया, 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, 3 तलाक बैन हुआ, शादी शगुन योजना आई महिलाओं के लिए, सीखो कमाओ योजना आई महिलाओं के लिए, लाडली योजना आई महिलाओं के लिए, लखपति योजना आई महिलाओं के लिए। मतलब मैं अगर अभी बोलती चलूं तो मैं 3 घंटा कंटिन्यूअसली बोलूंगी कि मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को सबसे ज्यादा एम्पावर किया गया है, सबसे ज्यादा अगर शक्ति का स्वरूप दिखाया गया है और प्रोवोकेशन मिला है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं भाई। क्योंकि एक महिला एक मनुष्य होने के नाते भी अगर वो अपने शरीर से एक बच्चा पैदा कर सकती है तो फिर वो कोई भी जंग को वो फतह कर सकती है। तो एक तरफ मोदी जी महिलाओं को शिव शक्ति का नाम दे रहे हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये भारत की शक्ति को ही ललकार रहे होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे भारत में 48.4% करंट फीमेल पॉपुलेशन है, करंट 48.4%, जिसमें से 2010 में फीमेल लिटरेसी जो रेट था वो 80.30% था। इवेंचुअली ये रेट इंक्रीज किया और अभी 2021 का जो डेटा आया है वो 91.95% है, एडुकेटेड महिलाएं हैं। इवन मैंने स्टेट वाइज भी आपके लिए डेटा निकाल के रखा है कि कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी महिलाएं, कितने कितने परसेंट की महिलाएं जो है वो कितनी शिक्षित है। अब देखिए आंध्र प्रदेश के पूरे पॉपुलेशन में 59.74% महिलाएं शिक्षित है, अरुणाचल प्रदेश में 59.57%, आसाम में 67.27%, बिहार जिसको हम लोग बहुत पिछड़ा हुआ समझते हैं 53.33%, छत्तीसगढ़ 60.59%, गोवा 81.84% महिलाएं शिक्षित है। और ऐसे सिचुएशन पे जहां भारत में 27% टॉप कॉर्पोरेट लॉ फर्म इंक्लूडिंग माय फर्म भारत की महिलाएं चला रही हैं, लॉ फर्म टॉप 27% भारत की महिलाएं चला रही हैं, हमारे जो भारत के प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू वो भी महिला है। और ऐसे सिचुएशन में अगर राहुल बाबा एक मंच पर खड़े होकर के नारी शक्ति के खिलाफ अपना मोर्चा खोलते हैं और अपने भारत जोड़ो न्याय मंजिल को खत्म करते हैं तो मुझे लग रहा है कि जो पार्टी को वो फुटपाथ पर लेकर के आए हैं अब वो पार्टी जो है वो भीख मांगने के कगार पर आ जाएगी। 400 से 40 सीटों पर आई थी, अब 40 से कहीं 15 सीटों पर ना आ जाए और पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के मंदिर में कोने में दबी कुचली नजर ना आए, तो ये बहुत बुरी बात है। हालांकि ऐसी ऐसी कई चीजें हैं, ऐसी कई बातें हैं जिसको मैं आपको मतलब बता सकती हूं कि कांग्रेस हमेशा नारियों के खिलाफ रहा है। इस चीज का भी मैं एग्जाम्पल आपको अर्जू जी दे सकती हूँ, तो देखने वालों को और भी रेफरेंसेस अच्छे मिल जाएंगे। जैसे निर्भया का जब रेप हुआ था तो कांग्रेस बलात्कारियों के पक्ष में थी और निर्भया के इंसाफ के खिलाफ थी। बलात्कारियों के पक्ष में ह्यूमन राइट्स के सप्लीमेंट्री पिटीशन, मतलब बता कैसे थे वो जी बता रही हूँ, बलात्कारियों के पक्ष में ह्यूमन राइट्स के थ्रू सप्लीमेंट्री पिटीशन सर्वोच्च न्यायपालिका, कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी और शीला दीक्षित जी की सरकार दिल्ली में कांग्रेस की,
और न्यायपालिका सुबह के 4:30 बजे तक खुलता था, सर्वोच्च न्यायपालिका, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और किसके लिए खुलता था? निर्भया के आरोपियों को फांसी दिलाने के लिए नहीं खुलता था, निर्भया के आरोपियों को फांसी से बचाने के लिए खुलता था। और वो सारे सप्लीमेंट्री पिटीशन जो है, जो बचाने के लिए है, और कितने कितने बजे कोर्ट को खुलवा करके पिटीशन सबमिट करवाया गया है, वो गूगल पर मिल जाएगा। 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध सबसे ज्यादा सेशन में, पार्लियामेंट सेशन में कांग्रेस ने किया, सबसे ज्यादा चिल्लाया है कांग्रेस ने। और ये अवेसी ने 3 तलाक बैन होने की जब बात आई थी 1984 में, जब राजीव गांधी भारत का प्रधानमंत्री था, तब राजीव गांधी के पास तकरीबन 71 बार शाहबानो और सायरा बानो जी का पिटीशन गया था कि 3 तलाक भारत से बैन कर दिया जाए, क्योंकि 14 मुस्लिम कंट्रीज में ऑलरेडी बैन है, इंक्लूडिंग आपका पाकिस्तान भी है, जहां इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं होता है आपके पाकिस्तान में भी, जिसको हम इतना बुरा भला बोलते हैं, वहां भी नहीं होता है। तो यहाँ भारत में भी बैन किया जाए, पर राजीव गांधी हमेशा उस कागज को उड़ाकर फेंक देते थे। आप सोचिए 71 बार। और 1984 में राजीव गांधी की सरकार के वक्त में शाहबानो सायराबानो मजबूर होकर के सर्वोच्च न्यायपालिका पहुंची, और जब भी राजीव गांधी के ब्यूरोक्रेट और उनके चीफ सेक्रेटरी उनको कहते थे कि इस पर ध्यान दीजिए, तो उनके जुबान पर एक ही बात आती थी राजीव गांधी जी के मुसलमान मर्दों का वोट हाथ से निकल जाएगा। और जब मोदी जी की सरकार आई, तब जाकर के इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और नाजिया अली खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे भारत की बेटी नाजिया खान जी ने पूरे विपक्ष को, खासकर अगर हम बात करें कांग्रेस या फिर बात करें हम राहुल गांधी को, पूरी तरह से दबोच लिया, खासकर नारी शक्ति के मामले में, जहां पे स्टेज पे खड़े होकर राहुल गांधी ने यह बोला कि वो नारी शक्ति के खिलाफ लड़ेंगे। अब इसे राहुल गांधी की नासमझी कहें या फिर कहें कि राहुल गांधी मोदी जी की गुगली में पूरी तरह फंस चुके हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।